हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूं राज। दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हमारी हरियाणा सामान्य ज्ञान की सीरीज चल रही थी और काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हमने वीडियो के थ्रू जो है अपडेट कर दिए। तो दोस्तों वो आपने पार्ट नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में मौजूद है, वहां से जाके आप वो पार्ट देख सकते हो। तो दोस्तों चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां दोस्तों आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने अभी तक किसी बुक्स के अंदर नहीं पढ़े हैं और जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो दोस्तों आज बिना एक्सप्लेनेशन के साथ, थोड़ी बहुत कम एक्सप्लेनेशन के साथ हम जो है हम सारे के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। वीडियो को दोस्तों अभी से एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रेणी की अनुमानित आयु कितनी है? अनुमानित आयु दोस्तों पूछी गई है इसमें। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा बी, 570 मिलियन वर्ष की जो है अरावली पर्वत श्रेणी, जो सबसे सिर्फ हरियाणा की नहीं भारत की भी सबसे प्राचीनतम श्रेणी मानी जाती है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और वो दोस्तों हमारी माउंट आबू में है। और उसकी दोस्तों शिखर की बात करें, ऊंची चोटी की बात करें तो वो दोस्तों हमारी 17-22 मीटर हो जाती है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां से उठा लिए जाते हैं। बढ़ लेते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का जो है वो है हमारा सरस्वती और दवस्तती नदी के बीच का भाग क्या कहलाता है। बात की गई दोस्तों सरस्वती नदी और दवस्तती के बीच के जो एरिया है, बीच का जो क्षेत्रफल है उसको क्या नाम दिया जाता है। तो दोस्तों राइट ऑप्शन जो रहेगा इसका वो रहेगा ऑप्शन हमारा बी, ब्रह्मावर्त दोस्तों उसको जो है कहा जाता है। सरस्वती और दवस्तती ये दोस्तों सबसे प्राचीन नदियां हैं जो एक टाइप से लुप्त हो चुकी है, ठीक है। तो इनके बीच के एरिया को क्या कहा जाता था? ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था। बढ़ लेते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक। बात की गई दोस्तों नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल हमारे एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज की, ठीक है, जिसको शॉर्टकट में बोल जाता है NBAGR, ठीक है, की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना की दोस्तों बात की गई है। तो इसकी स्थापना राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा करनाल के अंदर दोस्तों, इसको 1985 के अंदर जो है इसकी स्थापना की गई थी। कहां की गई थी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है, अंबाला, रोहतक, करनाल या गुड़गांव, कहां की गई थी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। वैसे मैंने बता दिया, अगर आपने ध्यान से वीडियो सुनी है तो जल्दी से इसका रिप्लाई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली का विस्तार किस जिले में नहीं है। अरावली के विस्तार की दोस्तों बात की गई है, ठीक है, जहां पर इसका क्षेत्रफल नहीं फैला हुआ है। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा डी दोस्तों, अंबाला के अंदर जो है अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है और महेंद्रगढ़, मेवात और रेवाड़ी के अंदर दोस्तों इनका विस्तार है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा हमारा अंबाला। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यमुना नदी का यह नाम भी लिया जाता था। कौन सा नाम जो है यमुना नदी का लिया जाता था, ये क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है। राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा सी, कालिंदी नदी के नाम से दोस्तों, कालिंदी नदी के नाम से जो है यमुना नदी को प्राचीन काल में जाना जाता था। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों। और अरुणा मारकंडा नदी से जुड़ा हुआ नाम पूछा गया था, अरुणा से जुड़ा हुआ, ठीक है, हमारे इंस्ट्रक्टर के एग्जाम में। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेवाड़ी की लाल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। बात की गई दोस्तों रेवाड़ी की लाल मस्जिद के बारे में। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा डी दोस्तों, अकबर ने, ठीक है, अकबर ने करवाया था दोस्तों रेवाड़ी की। और रोहतक की लाल मस्जिद की बात करें तो आसिक अली ने उसका निर्माण करवाया था। दोनों के दोनों दोस्तों अलग अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा जरूर मैच कर लें। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन रहेगा हमारा डी, अकबर ने जो है जो हमारी रेवाड़ी की लाल मस्जिद है उसका निर्माण करवाया था। रोहतक की लाल मस्जिद दोस्तों अलग है, उसका आसिक अली ने निर्माण करवाया था। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हम बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंबाला का खंड है, अंबाला का खंड है, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया अंबाला के खंड के बारे में। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा इसका डी, नारायणगढ़ जो है वो दोस्तों अंबाला का क्या है, एक खंड है। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतम पर्वत जो श्रेणी है अरावली की, उसकी सबसे ऊंची चोटी है। वैसे दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन बता दिया है पहले ही क्वेश्चन में, ये जो है ये क्वेश्चन कवर कर दिया है। अब दोस्तों इसका जो आंसर है वो नहीं बता रहा। एक तो दोस्तों आपको करो की ऊंचाई बतानी है, क्वेश्चन में साथ के साथ पूछता रहता हूं करो, ठीक है, और एक बतानी दोस्तों सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम सुल्ताजपुर है, ठीक है, सुल्ताजपुर हरियाणा की बात करें तो नारनौल के अंदर है वो, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन, पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो जरूर देख ले, उसमें ये क्वेश्चन कवर भी कर दिया। तो इसका दोस्तों आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोली नदी का संबंध किस जिले से है। बोली नदी से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा
ए यमुनानगर से जो है दोस्तों बोली नदी का संबंध जुड़ा हुआ, यानी प्राचीन काल में ये नदियां थी दोस्तों छोटी छोटी बहुत सारी, ठीक है, इनकी भी कुछ सहायक नदियां हुआ करती थी जिनको नाले कहा जाता था, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारी हो जाती है यमुनानगर, बोली नदी का संबंध किससे जुड़ा हुआ है, यमुनानगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग है, महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ, महात्मा गांधी मोहम्मद अली तथा शौकत अली के साथ रोहतक आए थे। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली दोस्तों और शौकत अली, ये तीनों दोस्तों जो है रोहतक के अंदर आए थे, कौन सी सन के अंदर आए थे ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा ए दोस्तों 1920, यानी 1920 के दिन जो है 8 अक्टूबर, अगर दोस्तों हम पूरा कवर करें इसको तो 8 अक्टूबर 1920 को जो है महात्मा गांधी, मोहम्मद अली तथा शौकत अली जो है के साथ रोहतक के अंदर आए थे। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें कम से कम। हरियाणा की वह मस्जिद जिसको पहले मंदिर से मस्जिद, फिर मंदिर से जो मस्जिद से मंदिर, यानी दोस्तों पहले उल्टा किया गया है, मंदिर से मस्जिद बनाया गया फिर मस्जिद से मंदिर बनाया गया, ऐसी मस्जिद दोस्तों आपको बतानी है। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा बी दीनी मस्जिद दोस्तों, और दीनी मस्जिद है कहां पे, ठीक है दोस्तों, आपको दीनी मस्जिद बतानी है, वहीं पे दोस्तों एक लाल मस्जिद है, वहीं पे एक काजी मस्जिद है, तो आपको ये बताना है दोस्तों कि दीनी मस्जिद है कहां। तो दीनी मस्जिद एक ऐसी मस्जिद है दोस्तों जिसको पहले मंदिर से मस्जिद बनाया गया फिर मस्जिद से दोबारा से मंदिर बनाया गया, तो ये क्वेश्चन बन जाता है हमारा दीनी मस्जिद से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से भिवानी में स्थित है, भिवानी से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। भिवानी के बहुत सारे पर्यटन स्थल जो है अभी तक आपने नहीं देखे हैं, ठीक है, तो हम इस वीडियो के थ्रू 3 पॉइंट तो दोस्तों इसके हम कवर कर लेते हैं। ये तीनों के तीनों दोस्तों हमारे भिवानी के अंदर है, स्टार मूवमेंट और दोस्तों हीरापुरी मंदिर और समाधि मुंगीपा। मुंगीपा दोस्तों सभी जो है पता है जो हमारे मुंगीपा धाम है। तो भिवानी से रिलेटेड क्वेश्चन और चरखी दादरी से रिलेटेड जुड़े हुए क्वेश्चन जो है अब अलग अलग हो जाते हैं, तो उनको दोस्तों हम एक स्पेशली वीडियो के साथ जो है वो कवर करेंगे। बावड़ियों का शहर नारनौल में कितनी बावड़ियां थी, प्राचीन काल दोस्तों बावड़ियों का शहर नारनौल बोला जाता है, तो उसमें कितनी बावड़ियां थी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका दोस्तों सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा ए, सिर्फ 14 बावड़ियां थी दोस्तों, ठीक है, बावड़ियों के शहर नारनौल में कितनी बावड़ियां थी, सिर्फ 14 बावड़ियां थी। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अंबाला का संबंध किस नदी से है, अंबाला के संबंध की दोस्तों बात की गई है। तो अंबाला की अगर दोस्तों हम बात करें तो इसके अंदर दोस्तों सभी नदियों का संबंध माना जाता है, घग्गर भी दोस्तों और मारकंडा भी और टांगड़ी भी दोस्तों। ये टांगड़ी और मारकंडा दोस्तों अंबाला के समीप आके घग्गर के अंदर जो है एक टाइप से मिल जाती है और एक संयुक्त जलधारा होकर आगे बढ़ती है जिसको हम घग्गर का नाम लेते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है, ठीक है। बढ़ लेते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मा जी का जो उत्पत्ति स्थान है वो किस तीर्थ को माना जाता है, तीर्थ दोस्तों यहां पूछा गया है ब्रह्मा जी से जुड़ा हुआ, तो इसको दोस्तों राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा डी, कमलनाथ तीर्थ को जो है ब्रह्मा जी का उत्पत्ति स्थान जो है वो माना जाता है। दोस्तों कमलनाथ तीर्थ है कहां आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि दोस्तों ये सारे के सारे हल्के क्वेश्चन हमने सारे कवर कर दिए हैं ए टू जेड। हमने जो है अब 87 पार्ट चल रहा है, तो सोचने वाली बात है 86 पार्ट में हमने क्या किया है, हमने जो सारे क्वेश्चन सिंपल थे 50 पार्ट तक तो ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन चले हैं, लेकिन जैसे ही 50 पार्ट के ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं बहुत ज्यादा हार्ड एक टाइप से हो जाते हैं, जैसे कि ये हमारी सीरीज चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत परफेक्ट तैयारी वालों को तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी सिंपल लगेंगे मेरे हिसाब से। नवीन खादर मिट्टी कहाँ पाई जाती है, नवीन खादर मिट्टी की दोस्तों बात की गई है, तो राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा इसका हमारा डी दोस्तों, उपरोक्त सभी, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और सोनीपत के अंदर दोस्तों नवीन खादर मिट्टी कुछ हिस्सों में, सभी हिस्सों में नहीं बात करेंगे, ठीक है। जैसे उदासीन प्रक्रिया वाली मिट्टी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन यमुनानगर से, लाल चेस्टनट मृदा से जुड़ा हुआ पूछा जाता है, ठीक है, तो इनके कुछ हिस्सों में जो है नवीन खादर मिट्टी जो है वो पाई जाती है। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंचकुला जिले का नाम किस भाषा से लिया गया, पंचकुला जिले की दोस्तों बात की गई है, ठीक है, किस भाषा से जुड़ा हुआ है ये नाम, तो राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा डी, संस्कृत भाषा से दोस्तों, यानी पंच कूल, कूल का मतलब दोस्तों कूल कूप भी कह सकते हो, ठीक है, और दोस्तों अब यहां जो है आप नहर भी कह सकते हो, ठीक है, नहर, ठीक है, तो यहां दोस्तों छोटे छोटे 5 नाले थे या नहर थे इस टाइप से, ठीक है, तो पंच कूप थे ये एक टाइप से, तो ये नाम जो लिया गया है ये दोस्तों संस्कृत शब्द से लिया गया है, तो राइट ऑप्शन दोस्तों इसका रहेगा हमारा डी, संस्कृत। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यापारियों के लिए एक समृद्ध नगर की स्थापना किसने की और कहां की, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों, समृद्ध नगर की, ठीक है, व्यापारियों के लिए बनाया गया था, ठीक है, और कहां और किसने की ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा डी दोस्तों, अग्रोहा, और दोस्तों किसने बसाया अग्रोहा को, किसने उसकी स्थापना की, महाराजा अग्रसेन ने, ठीक है, जहां से सारेगामा पादानी जो एक ईंट पर 700 अंकन की जो हमें मिली है वो भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो दोस्तों राइट ऑप्शन इसका हमारा हो जाएगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी फैली हुई है। दोस्तों ये क्वेश्चन हम अक्सर गलत कर देते हैं, ठीक है। हम सोच लेते हैं कि हरियाणा और राजस्थान के बीच ही अरावली पर्वत श्रेणी फैली हुई है। बहुत ज्यादा 570 मिलियन वर्ष पुरानी अरावली पर्वत श्रेणी दोस्तों, अब प्राचीन काल का इतिहास उठाएं तो ये हमारा राइट ऑप्शन रहेगा सी, गुजरात से दिल्ली तक, यानी दोस्तों जो है पूर्व से पश्चिम एक टाइप से हम कह सकते हैं, ठीक है, पूरी तरीके से ये फैली हुई थी। तो राइट ऑप्शन हमारा सी रहेगा, गुजरात से दिल्ली तक। इसमें दोस्तों ये ऑप्शन करना हमारा जो है गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह के ननिहाल होने का गौरव कौन से गुरुद्वारे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ननिहाल होने का गौरव, ठीक है। राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा इसका बी, लखनौर साहिब गुरुद्वारा। दोस्तों हमारा कहां पे है, अंबाला के अंदर, ठीक है। यहां से जो है गुरु गोविंद सिंह जी है इनका जो है ननिहाल पक्ष जो है जुड़ा होने का जो है एक टाइप से गौरव प्राप्त है। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैंड पाइपर पर्यटन स्थल कहाँ है, बात की गई दोस्तों सैंड पाइपर पर्यटन स्थल की, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा ए, रेवाड़ी के अंदर जो हमारा सैंड पाइपर स्थल जो है वो स्थित है। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में कपूर की पहाड़ी, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, कपूर की पहाड़ी, ठीक है। राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा डी, चरखी दादरी के अंदर दोस्तों हरियाणा के अंदर कपूर की पहाड़ी अवस्थित है। बढ़ लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंबिका देवी मंदिर कहां स्थित है, अंबिका, सिंपल क्वेश्चन है ये, इसको हम सिंपल लेवल कह सकते हैं, ठीक है। अंबिका देवी मंदिर की बात की गई तो अंबाला हो जाता है, ठीक है। इसको जल्दी से सोल्व करके हम आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हरियाणा का 52,000 का नगर किसे कहा जाता है, 52,000 का, हरियाणा का 52,000 का नगर, वेरी इंटरेस्टिंग दोस्तों। और राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा बी, नारनौल शहर को दोस्तों 52,000 का शहर कहा जाता था, जैसे बावड़ियों का शहर, बावड़ियों से ही दोस्तों इसकी उत्पत्ति 52,000 से उत्पत्ति मतलब चेंज होके बावड़ी बना है, ठीक है। तो कितनी बावड़ी थी नारनौल के अंदर, 14 बावड़ियां थी और 52,000 के नगर से उस टाइम जो है इसको जाना जाता था। अब दोस्तों एचएससी का आप लेवल देख सकते हो, क्वेश्चन कहां से कहां तक उठा सकती है, ठीक है। तो बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ परशुराम के पिता जमदग्नि से जुड़ा हुआ है, ठीक है, परशुराम के पिता दोस्तों पूछे गए हैं। अगर सिंपल परशुराम की हम बात करें तो वो दोस्तों हमारा अलग ऑप्शन हो जाता है, राम राय तीर्थ से जुड़ा हो जाता है, और परशुराम के पिता की बात जमदग्नि की बात करें तो वो हमारा पुष्कर तीर्थ हो जाता है। दोनों के दोनों दोस्तों क्वेश्चन अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन रिपीट करना चाहूंगा, ठीक है, परशुराम के पिता जमदग्नि से संबंधित है, परशुराम के पिता की दोस्तों बात की गई, तो पिता की हम बात करेंगे तो राइट ऑप्शन बी रहेगा, पुष्कर तीर्थ रहेगा, और सिंपल दोस्तों परशुराम की बात करें तो वो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हमें ध्यान रखने की एक टाइप से सख्त जरूरत है। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाधि ऑफ टोडर सिंह कहाँ है, समाधि ऑफ टोडर सिंह की समाधि एक टाइप से पूछी गई है, सिंपल क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन हमारा ए, ये है दोस्तों हमारे भिवाणी के अंदर। हम भिवाणी के बहुत सारे बारीकी से पॉइंट उठा के लेके आ रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और बहुत ज्यादा फेमस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मकबरा जिसमें लतीफ की यात्रा के व्याख्यान का पता चलता है, लतीफ की यात्रा के व्याख्यान का पता चलता है, तो दोस्तों इसमें राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा बी, शाहकुली खां का मकबरा दोस्तों जो नारनौल के अंदर है, आईने अकबरी की लतीफ यात्रा थी दोस्तों उसके अंदर जो इसका जो है वर्णन किया गया है, और शाहकुली खां ने ही दोस्तों इस मकबरे का एक टाइप से निर्माण करवाया था, और दोस्तों उसने अपने लिए यहां पर एक सुंदर बगीचा भी बनवाया था, ठीक है, जिसका नाम बाद में चेंज करके दोस्तों आराम कोसर रखा था, क्या रखा था, आराम कोसर। और इसका दोस्तों वास्तुशास्त्र की बात करें यानी शैली की बात करें तो ये पठान शैली में निर्मित किया गया है। तो दोस्तों ये शाहकुली खां मकबरा बहुत फेमस है और यहां से क्वेश्चन उठाए जाने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से प्राचीन नदी जो शिवालिक श्रृंखला से निकलती है, शिवालिक श्रृंखला की दोस्तों बात की गई है, तो राइट ऑप्शन जो रहेगा इसका वो रहेगा ऑप्शन हमारा डी दोस्तों, ठीक है, सोम चेतांग और हकरा। हकरा दोस्तों कृषि भी थी और हकरा नदी भी थी, लेकिन हरियाणा की परंपराओं के अनुसार कहीं जगह किसी बुक्स में नदी दिया हुआ है जो है कृषि दिया हुआ है, और कई बुक में दोस्तों नदी भी दिया हुआ है, तो ये दोनों एक टाइप से सम्मिलित क्वेश्चन हो जाता है। तो ये सारी के सारी दोस्तों नदियां हमारी जो है प्राचीन है। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्कंडेया एक है, मार्कंडेया की दोस्तों बात की गई है, तो राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा डी सभी दोस्तों, ठीक है। मार्कंडा एक नदी भी है दोस्तों, मार्कंडा, ठीक है, मार्कंडा एक पुराण भी है और मार्कंडा दोस्तों एक ऋषि भी है, तो ये सभी के सभी नाम दोस्तों हमारे एक मार्कंडा से जुड़े हुए हैं, ठीक है, मार्कंडेया या मार्कंडा, ठीक है, ऋषि भी है, नदी भी है और पुराण भी है। अगर हम नदी करके यहां आ जाते हैं तो क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाता है। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा की एकमात्र चिरस्थायी नदी, चिरस्थायी नदी दोस्तों पूछी गई है, तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा
डी यमुना नदी जो है दोस्तों एक चिरस्थायी नदी के रूप में जानी जाती है, यानी दोस्तों हरियाणा और यूपी को जो है एक टाइप से चीर के निकलती है, यानी बीच में से अलग लाइन जो है बाउंड्री के साथ बहती है, तो चिरस्थायी नदी हो जाती है दोस्तों हमारी यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा का प्राचीन सबसे ऊंचा पहाड़, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, ऊंचा पहाड़ पूछा गया है, तो ऊंचे पहाड़ की दोस्तों बात की गई तो ये काफी प्राचीन भी है, और राइट ऑप्शन जो रहेगा इसका वो रहेगा ऑप्शन हमारा बी, भिवानी दोस्तों, ठीक है। ऊंचे पहाड़ की दोस्तों बात करें तो ये हमारा हो जाता है भिवानी के अंदर। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काजी की मस्जिद बनी हुई है, काजी की मस्जिद की दोस्तों बात करें तो राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा डी, सफेद पत्थरों से जो है दोस्तों वो काजी की मस्जिद बनी हुई है। दोस्तों ले लेते हैं कल वाली वीडियो में से एक छोटा सा सेल्फ टेस्ट, क्योंकि आज के इतने ही क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ लेते हैं सेल्फ टेस्ट की तरफ, और आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करने, और कल वाली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है तो वो कम से कम जरूर देख ले। चलिए बताना है दोस्तों आपको क्वेश्चन, कौन सा शहर सुराही से जुड़ा हुआ है, कौन सा शहर दोस्तों सुराही से जुड़ा हुआ है, झज्जर, जींद, अंबाला, पंचकुला, सुराही से जुड़ा हुआ क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। सिर्फ तीन क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हरियाणा में खंड स्तर पर लागू होती है, खंड स्तर पर क्या लागू होती है ये कमेंट में भी दोस्तों आपको रिप्लाई करना है जल्द से जल्द। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, हरियाणा में यूनानी कॉलेज कहां खोला गया जाएगा या खोला गया, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों एक टाइप से लास्ट क्वेश्चन आज का हम चौथा भी ले लेते हैं, रामपुर भव्य महल कहां स्थित है। ये चार क्वेश्चन दोस्तों आपको, चाहे आप वीडियो को रोक के या जो है कल वाली वीडियो अगर देखी है तो उसमें से दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको जल्द से जल्द इसके रिप्लाई करने हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसी लगी वीडियो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें, और चैनल पे दोस्तों नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हरियाणा, जय भारत।